जब हम विचारों को अंदर रखते हैं तब तक वो आकाश में रहते हैं, जब हम विचारों को बाहर कर लेते हैं चाहे वो संकल्प हो, मुख्यतः संकल्प को ही, तो उसकी जड़ें अंदर चली जाती हैं और फिर नहीं हिलता। नमस्कार, मैं हूं विरंजय और आप देख रहे थे धरती पुत्र। एक छोटी सी कहानी। एक सन्यासी एक व्यापारी के पास गया और कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो आप। सन्यासी ने देखा इनकी वेशभूषा और कहा कि आप सन्यासी और आपको नौकरी? तो कहा कि हाँ, मुझे जरूरत है, आप रख लीजिए। दुकानदार ने सन्यासी को नौकरी पर रख लिया। काम चलने लगा तो दुकानदार मुस्कुराते हुए कहा कि सन्यासी, कहीं आप देखना इस सोहबत में बिगड़ ना जाइए। तो सन्यासी ने कहा कि अगर जो बिगड़ने का डर होता तो मैं नौकरी करता ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, सन्यासी ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि कहीं आप ना बिगड़ जाए मेरी सोहबत में। तो दुकानदार फिर मुस्कुराया और वो कहा कि मैं तो बहुत होशियार हूं, अपने मन में कहा। फिर ऐसे ही चलने लगा। दुकान पे सन्यासी बैठता और सन्यासी सारे काम जो दुकान के थे धीरे धीरे सीख गया और धीरे धीरे व्यापारी दुकानदार के, मतलब व्यापारी जो थे उनके दुकानदारी के सारे पैंतरे भी समझ गया। इसी तरह से जब ये दुकानदार आगे बैठता तो बार बार सन्यासी को देखता, भारती में 2500-300 बार देखता और उसके मन में उठता है कि क्या मजा है इसको, इस गिरवे वस्त्र में क्या है या इसके सन्यास में क्या है जो इतना ये प्रसन्न रहता है और ऐसी मुद्रा में रहता है। सन्यास में क्या है सोचता रहता, इसके आनंद को जानना चाहता वो। लेकिन फिर भी दुकानदार चलता रहा। एक दिन सन्यासी ने अवसर पाकर के कहा कि अब मैं अगले वर्ष तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं, और अवसर पाकर के पूछ लिया कि आप भी चलेंगे दुकानदार से। तो दुकानदार ने सोचा कि इसमें क्या आनंद है, कहता क्यों नहीं चलूंगा, क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो सन्यासी मुस्कुरा करके कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी तैयारियां आपको कराता रहूंगा साल भर में। अब दिन बीतते गए, जब दुकानदार किसी ग्राहक को वस्तु का गलत मूल्य बताता, अधिक बताता, तो सन्यासी बैठे बैठे बोलता कि राम, तीर्थ यात्रा पे चलना है। अब व्यापारी घबरा जाता। फिर किसी दिन घटतौली करता तो कहता कि ओम, अगले वर्ष तीर्थ यात्रा पे चलना है। फिर व्यापारी रुक जाता। फिर अगर जो कोई भी ऐसी पैतरेबाजी अपनी दुकानदारी में करता व्यापारी, तो ये सन्यासी उससे कहता कि ओम राम, तीर्थ यात्रा पे चलना है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसके मन में घबराहट होने लगती व्यापारी के, और ये गलत काम धीरे धीरे बंद करता गया। अब बात आगे बढ़ी, धीरे धीरे वो समय आ गया जब तीर्थ यात्रा पे चलना था। तो सन्यासी ने पूछा कि चलिए चला जाए तीर्थ यात्रा पे। तब व्यापारी कहा कि अब तो मैं पवित्र हो गया, सारे जितने भी हमारे ठगी के पैतरे थे सब आपने दूर कर दिया। जब भी मैं, तूने भी क्या मेरे साथ गजब किया कि जब भी मैं कोई पैतरेबाजी करता तो तुरंत कहता कि राम, तीर्थ यात्रा पे चलना है। तो इस तरह से तो मैं तो पवित्र हो गया, अब तो कोई संशय रहा ही नहीं। तो कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इसकी शिक्षा ये थी कि हमें संकल्प की घोषणा करनी चाहिए ताकि वो संकल्प दृढ़ हो। अंतर मन में किया गया संकल्प कब चूर हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है।